नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट रमेश शर्मा बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपना एड्रेस में। तो आज फिर मैं आपके लिए लेके आया हूं एक नई वीडियो एक नई प्रॉपर्टी के साथ। तो आज जो मैं प्रॉपर्टी आपको फ्रेंड्स दिखाने वाला हूं 300 गज में बना हुआ बहुत ही शानदार बहुत ही लग्जरी विला आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जहाँ आपको 4 BHK विला यहाँ पे मिलने वाला है। इसके अलावा सर्वेंट रूम यहाँ पे आपको मिलने वाला है। इस विला की हम डिटेल वीडियो देखेंगे फ्रेंड्स, बट उससे पहले हम इसके कुछ हाइलाइट्स देखते हैं। तो फ्रेंड्स अभी आपने देखे इस खूबसूरत विला के कुछ हाइलाइट्स। तो फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको बताया था बहुत ही खूबसूरत प्रॉपर्टी यहाँ पे आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इस प्रॉपर्टी के बारे में और डिटेल में हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ इस लोकेशन के बारे में। तो आज मैं आपको लेके आया हूँ ओमेक्स न्यू चंडीगढ़। तो फ्रेंड्स अगर आप चंडीगढ़ के आसपास प्रॉपर्टी सर्च करते हैं तो डेफिनेटली आपने ओमेक्स का न्यू चंडीगढ़ का नाम डेफिनेटली सुना होगा, क्योंकि बहुत ही अच्छी जो प्रॉपर्टी ऑप्शंस है वो यहाँ पे आपको मिल जाती है। और पर्टिकुलर जिस लोकेशन पे आज मैं आपको लेके आया हूँ इस लोकेशन के बारे में आपको मैं बता दूँ, ये एक गेटेड सोसाइटी यानी कि पूरा है गेटेड जो कंपाउंड है पूरा ही गेटेड कंपाउंड यहाँ पे आपको मिलने वाला है। यानी कि ये विला जिस सोसाइटी में आता है गेटेड सोसाइटी आपको मिलने वाली है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ मार्केट की, वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको मार्केट मिल जाती है। और अगर मैं बात करूँ क्लब हाउस की, जहाँ की आपको स्विमिंग पूल, इंडोर गेम्स, इंडोर जिम, पार्टी हॉल, गेस्ट रूम सारी ही फैसिलिटीज आपको मिल जाती है, वो भी आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाता है। तो फ्रेंड्स ये तो बात थी लोकेशन की, जैसे मैंने बताया ओमेक्स न्यू चंडीगढ़। अब मैं बात करता हूँ इस प्रॉपर्टी की। जैसे कि अभी आपने इसके कुछ हाइलाइट्स देखे, फुल्ली फर्निश्ड विला यहाँ पे आपको मिलने वाला है 300 गज में। जी हाँ फ्रेंड्स, 300 गज में फुल्ली फर्निश्ड 4 BHK विला यहाँ आपको मिलने वाला है, जहाँ ग्राउंड फ्लोर पर आपको मिलता है 1 बेडरूम, उसके अलावा ड्राइंग डाइनिंग लिविंग एरिया आपका मिल जाता है, किचन आपको मिल जाता है। बात करूँ फर्स्ट फ्लोर की, वहाँ आपको मिल जाएंगे और 3 बेडरूम। और अगर मैं बात करूँ टॉप फ्लोर की यानी कि सेकंड फ्लोर की, वहाँ आपको एक ओपन टेरेस मिल जाएगा। अगर आप फुल टाइम सर्वेंट रखना चाहते हैं तो सर्वेंट रूम वहाँ पे आपको मिल जाता है। उसके अलावा एक गेस्ट रूम, या अगर आप चाहें एक रूम एक्स्ट्रा रूम आपको मिल जाता है जहाँ आप उसको एज ए बार की तरह यूज़ कर सकते हैं, या अगर आप चाहें उसको एज ए मूवी जो रूम है उसकी तरह भी उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपने जाना इस लोकेशन के बारे में, इस प्रॉपर्टी के बारे में। और जैसा कि आप देख सकते हैं फुल्ली जो डेवलप एरिया है वो यहाँ पर आपको मिलने वाला है। 40 फीट की जो वाइड रोड है वो आपको मिल जाती है आपके ठीक घर के सामने। और आप देख सकते हैं काफ़ी डिसेंट जो फ्रंट एलिवेशन है वो यहाँ पे आपको मिलने वाला है। उसके बाद जैसे ही रोड से ऊपर आते हैं यहाँ आपको मिलती है बर्म। आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी जो बर्म है वो यहाँ पे आपको मिलने वाली है। इस बर्म के ऊपर भी आप एक कार इजीली पार्क कर सकते हैं। और ये जो एरिया आप देख रहे हैं प्रॉपर जो ग्रीन एरिया मेंटेन करके यहाँ पे आपको दिया जा रहा है, जिससे कि एक जो विला की खूबसूरती है वो यहाँ पे बढ़ जाती है। और यहाँ अगर आप देखेंगे बड़ा सा जो स्लाइडिंग गेट है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है, ऑटोमेटिक गेट यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड जो गेट है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है स्लाइडिंग गेट।
स्लाइडिंग गेट होने की वजह से जो आपकी कार है वो इजीली आप अपनी कार को पार्किंग की तरफ लेके आ सकते हैं। यहाँ मिलता है आपको पार्किंग एरिया। यहाँ अगर आप देखेंगे एक कार आप अपने घर के अंदर इजीली पार्क कर सकते हैं, चाहे वो मिड साइज कार हो चाहे वो एसयूवी गाड़ी हो, इजीली आप घर के अंदर उसको पार्क कर सकते हैं। और जैसे कि आपने देखा कि आपको ग्रीन एरिया घर के बाहर मिलता है, घर के अंदर भी फ्रंट यार्ड में भी आपको एक ग्रीन एरिया यहाँ पर मेंटेन करके दिया जा रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स अब हम बढ़ते हैं अपनी मेन एंट्री की तरफ। बट उससे पहले अगर आप यहाँ देखेंगे इस एंट्री को भी काफ़ी ब्यूटीफाई किया गया। आप देख सकते हैं सीलिंग में काफ़ी डिजाइनर सीलिंग यहाँ पे आपको मिल जाती है, डिजाइनर लाइट यहाँ पे आपको मिल जाती है। इस पूरी ही वॉल पर आप देखेंगे टाइल वर्क यहाँ पे आपको मिल जाता है। बड़ा सा आप देखेंगे जो ग्लास विंडो है वो यहाँ पे आपको दी गई है। उसके अलावा अगर आप ध्यान देंगे पूरे ही घर में प्री इंस्टॉल्ड जो सीसीटीवी कैमरास है वो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, घर के फ्रंट में भी घर के बैक साइड में भी। और यहाँ अगर आप देखेंगे बड़ा सा मेन एंट्री डोर यहाँ पे आपको मिल जाता है, काफ़ी वाइड और काफ़ी अच्छी हाइट का जो एंट्री डोर है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है। फ्रेंड्स इससे पहले कि हम अंदर एंटर करें अपने ग्राउंड फ्लोर की तरफ, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस द बेल आइकन ताकि आने वाली ऐसी नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम चलते हैं अपने ग्राउंड फ्लोर की तरफ। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम एंटर करते हैं अपने ग्राउंड फ्लोर पर। जैसे मैंने आपको बताया था मेन काफ़ी वाइड और काफ़ी बड़ी हाइट का जो मेन एंट्री डोर वो यहाँ पे आपको मिल जाता है। जैसे ही आप एंटर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में आता है आपका ड्राइंग एरिया। यहाँ अगर आप देखेंगे बड़ा सा ड्राइंग एरिया यहाँ पे आपको मिल जाता है, करीब करीब 14 से 15 लोगों का जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो यहाँ पे किया गया है। उसके बाद भी अच्छा जो मूविंग का स्पेस है वो यहाँ पे आपको दिया गया है। और अगर मैं बात करूँ विंडो की तो यहाँ भी इस पूरी ही वॉल पर अगर आप देखेंगे बड़ी सी विंडो आपको मिल जाती है, यानी कि प्रॉपर जो सनलाइट है वेंटिलेशन है वो डे टाइम में आपको मिलती रहेगी आपके ड्राइंग एरिया में। और अगर मैं बात करूं इसके सामने वाली वॉल की, आपके ड्राइंग एरिया के वॉल की, यहाँ अगर आप देखेंगे यहाँ भी वुडन का डिज़ाइन आपको दिया गया है। और उसके अलावा इस वॉल पर अगर मैं बात करूं पूरी ही वॉल पर वॉलपेपर आपको मिल जाता है, डिज़ाइनर लाइट्स आपको मिल जाती है, प्री इंस्टॉल्ड एसी की जो पाइपलाइन है वो आपको मिलने वाली है पूरे ही विला में। तो फ्रेंड्स ड्राइंग एरिया के बाद यहाँ आता है आपका लिविंग एरिया। यहाँ अगर आप देखेंगे काफ़ी बड़े साइज़ का लिविंग एरिया आपको दिया गया है। जैसे मैं आपको बताया था 14 से 15 लोगों का जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो आपको ड्राइंग एरिया में मिल जाता है। उसके अलावा अगर आपके घर में ज़्यादा गेस्ट आते हैं तो इस लिविंग एरिया में यानी कि फैमिली लाउंज एरिया में भी आपको काफ़ी स्पेस मिल जाता है आपकी सिटिंग के लिए। उसके अलावा यहाँ अगर आप देखेंगे ये पूरी ही वॉल को डिज़ाइनर वॉल बनाया गया है और यही है आपका टीवी पैनल भी, यानी कि अपना जो टीवी है वो यहाँ पे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर ड्रॉर्स आपको मिल जाते हैं आपके स्टोरेज के लिए। उसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ अगर आप देखेंगे यहाँ भी एक अच्छा स्पेस आपको मिल जाता है, तो इसको भी अगर आप चाहें यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया वॉल पर आपको डिज़ाइन मिलता है, सीलिंग पर भी आपको डिज़ाइन दिया गया है, कंसील लाइट्स इसमें आपको मिल जाती हैं। और फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको बताया काफ़ी खूबसूरत विला ये आपको मिलने वाला है, फुल्ली फर्निश्ड जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं, सारा ही सामान के साथ आपको ये विला मिलने वाला है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ क्वालिटी का बहुत ध्यान रखा गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरे ही जो टच पैड आपके जो बटन्स हैं स्विचेस हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं आपके विला में। उसके अलावा यहाँ आता है आपका डाइनिंग एरिया। यहाँ अगर आप देखेंगे आपका डाइनिंग एरिया और किचन को कंबाइन कर दिया गया है और एक सेपरेट एरिया में बनाया गया है ताकि ईजिली जो आपका डाइनिंग एरिया है आप उसको यूज़ कर सके अपने किचन के ठीक सामने। तो यहाँ अगर आप देखेंगे यहाँ 8 लोगों का जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो किया गया, यानी कि आपका 8 लोगों का जो डाइनिंग टेबल है वो यहाँ पर रखा गया है। उसके बाद भी चारों तरफ मूविंग का स्पेस यहाँ पर आपको मिल जाता है। अगेन यहाँ अगर आप देखेंगे यहाँ भी वॉलपेपर आपको मिल जाता है। उसके अलावा कंसील लाइट्स यहाँ पे आपको मिल जाती हैं, डिज़ाइनर लाइट्स यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आता है आपका फुल्ली मॉड्यूलर किचन। और यहाँ आप देख सकते हैं माइक्रोवेव आपको मिल जाता है, ओटीजी के लिए स्पेस यहाँ पे आपको मिल जाता है, प्री इंस्टॉल्ड जो फ्रिज है आप देखेंगे वो यहाँ पे आपको मिल जाता है। और जैसे मैं आपको बताया था ब्रांड का काफ़ी अच्छा ध्यान रखा गया है, तो सारे ही ब्रांडेड जो इक्विपमेंट्स हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। उसके अलावा काफ़ी स्टोरेज यहाँ पे आपको मिल जाती है, पेंट्री एरिया आपको मिल जाता है आपके सामान रखने के लिए। उसके अलावा बहुत सारी स्टोरेज यहाँ पर आपको मिल जाती है आपके सामान को रखने के लिए आप देखेंगे। और यहाँ पर आपको मिल जाता है आपका वेट किचन, एक बाहर यानी कि बैकयार्ड में भी आपको वेट किचन मिल जाता है। उसके अलावा किचन के अंदर भी आपको वेट किचन का स्पेस दिया गया है। और यहाँ अगर आप देखेंगे एक डिफरेंट डिज़ाइन की जो हॉब है और चिमनी जो हैंगिंग चिमनी है वो यहाँ पे आपको मिल जाती है। तो आप देखेंगे जो कुकिंग के लिए एक बिल्कुल ही अलग स्पेस आपको मिल जाता है आपके किचन में।
और फ्रेंड्स यहाँ अगर आप नोटिस करेंगे आपके किचन में भी आपको एक बड़ी सी विंडो प्रोवाइड की गई है, मैश डोर यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है ताकि किचन में भी कुकिंग के टाइम प्रॉपर सनलाइट आपको मिलती रहेगी, प्रॉपर जो वेंटिलेशन है वो यहाँ पे आपको मिलती रहेगी और यहाँ से हमें एक्सेस मिल जाती है हमारे बैकयार्ड में आने के लिए। और जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको बैकयार्ड में भी एक जो वेट किचन है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया, यानी कि अगर आप कोई छोटा गेट टुगेदर भी होता है तो इजीली यहाँ पे आप वॉशिंग कर सकते हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ भी एक ग्रीन एरिया आपको मेंटेन करके दिया गया है, आप चाहें इस एरिया को छोटे स्विमिंग पूल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप स्विमिंग पूल बनवाना चाहते हैं तो यहाँ इजीली आप वो बनवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा किचन एरिया, हमारा डाइनिंग एरिया, और जैसे मैंने आपको बताया था एक बेडरूम आपको मिलने वाला है ग्राउंड फ्लोर पर। तो हम चलते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम की तरफ जो हमें मिलता है हमारे ग्राउंड फ्लोर पर। तो यहाँ अगर आप देखेंगे काफ़ी स्पेशियस, काफ़ी बड़ा बेडरूम यहाँ पे आपको मिलने वाला है, और जैसे मैंने आपको बताया था फुल्ली फर्निश्ड यहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो एज इट इज़ आपको सारे सामान के साथ यहाँ पे मिलने वाला, आप देख सकते हैं किंग साइज़ का जो बेड है वो यहाँ पे रखा गया है। यहाँ भी काफ़ी अच्छा मूविंग का स्पेस आपको मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ बैक साइड वाली वॉल पर पूरा ही डिज़ाइनर वॉल यहाँ पे आपको दी जा रही है डिज़ाइनर लाइट्स के साथ, और प्री इंस्टॉल्ड जो एसी की पाइपलाइन है वो यहाँ पे आपको मिल जाती है। और यहाँ अगर आप देखेंगे ये एरिया रहेगा आपका टीवी पैनल, इसको भी ब्यूटीफाई किया गया है। और अगर मैं बात करूँ फॉल सीलिंग की, फॉल सीलिंग यहाँ पे आपको मिल जाती है, उसके अलावा कंसील लाइट्स यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। और यहाँ अगर आप देखेंगे जो एक दो सिंगल सीटर सोफ़ास यहाँ पे रखे गए हैं, यानी कि काफ़ी अच्छा साइज़ है आपके बेडरूम के अंदर, तो यहाँ पर दो सोफ़ा भी रखे गए हैं, यानी कि सिटिंग एरिया भी आपको दिया गया है। और अगर मैं बात करूँ इसके वॉशरूम की, तो यहाँ पर आता है इसका अटैच वॉशरूम, यहीं पर आपको इसके वार्डरोब्स मिल जाते हैं। तो यहाँ अगर आप देखेंगे काफ़ी अच्छा, काफ़ी सुंदर फुल हाइट की जो टाइल्स हैं उसके साथ यहाँ पे आपको वॉशरूम मिल जाता है। उसके अलावा बाथ एनक्लोजर यहाँ पे आपको मिल जाता है, एक सेपरेट एरिया मिल जाता है आपकी बाथिंग के लिए, और वैनिटी यहाँ पे आपको मिल जाती है। उसके अलावा काफ़ी अच्छा जो वॉशरूम है वो यहाँ पे आपको मिलने वाला है आपके फर्स्ट बेडरूम। और इस रूम में भी आपको प्रॉपर वेंटिलेशन मिल जाती है, प्रॉपर सनलाइट यहाँ पे आपको मिल जाएगी। आप देखेंगे यहाँ पर जो UPVC डोर है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है साउंड प्रूफ ग्लास के साथ, और यहाँ से भी आपको एक्सेस मिल जाती है आपके बैकयार्ड में जाने के लिए। तो फ्रेंड्स ये था हमारा फर्स्ट बेडरूम हमारे ग्राउंड फ्लोर पे। तो यहाँ अगर आप देखते हैं इंटरनल स्टेयर्स से यहीं से हमें एक्सेस मिल जाती है हमारे फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए। और यहाँ अगर आप देखेंगे स्टेयर्स के ठीक यहाँ पे सामने, यहाँ पर आपको पाउडर रूम मिल जाता है, यानी कि अगर आपके गेस्ट आते हैं तो इजीली वॉशरूम को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे सेफ्टी के लिए जो ग्लास है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है। उसके अलावा जो अगर मैं बात करूँ स्टेयर्स की, तो पूरा ही ग्रेनाइट यहाँ पे मिल जाता है आपको स्टेयर्स पे। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट फ्लोर की तरफ। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम पहुँच चुके हैं अपने फर्स्ट फ्लोर पर। तो जैसे कि आपने देखा चारों ही तरफ यहाँ पर जो टफन का जो ग्लास है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है, अगेन आपकी सेफ्टी के लिए। और बिल्कुल स्टेयर्स के बीचों बीच यहाँ अगर आप देखेंगे एक सुंदर सा जो हैंगिंग शैंडिलियर है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है, जिससे कि खूबसूरती काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। और यहाँ पर भी आपको एक सिटिंग एरिया प्रोवाइड किया गया है, इस एरिया को भी आप जैसे चाहें यूटिलाइज़ कर सकते हैं, काफ़ी बड़ा स्पेस यहाँ पर आपको मिल जाता है आपके फर्स्ट फ्लोर पर। और जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं तीन और बेडरूम। तो चलिए फ्रेंड्स इससे पहले कि हम बेडरूम की तरफ बढ़ें, यहाँ अगर आप देखेंगे यहाँ से हमें एक्सेस मिल जाती है बालकनी की तरफ। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एक काइंड ऑफ अ प्राइवेट बालकनी यहाँ पे आपको मिल जाती है आपके जो फर्स्ट फ्लोर के लिविंग एरिया से। और जैसे मैंने आपको बताया था काफ़ी जो डेवलप एरिया है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है पूरी ही सोसाइटी में। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम चलते हैं अपने सेकंड बेडरूम की तरफ। जैसे हम एंटर करते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो स्लाइडिंग वार्डरोब्स हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर राइट हैंड साइड में इसका अटैच वॉशरूम आ जाता है। जैसे ही हम एंटर करते हैं अपने बेडरूम में, यहाँ भी अगर आप देखेंगे काफ़ी सुंदर जो वॉशरूम है वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है, डार्क थीम यूज़ की गई है इस बाथरूम में। उसके बाद फ्रेंड्स हम चलते हैं अपने बेडरूम की तरफ। तो यहाँ आता है हमारा सेकंड बेडरूम जो कि आपको फर्स्ट फ्लोर पे मिलता है। यहाँ भी अगर आप देखेंगे लाइट और डार्क कलर का जो कलर थीम है वो यहाँ पे यूज़ की गई, यानी कि लाइट
ग्रे और ब्लू कलर का जो कलर थीम है वो यहाँ पे यूज़ की गई है। अगेन यहाँ भी फुल्ली फर्निश्ड बेडरूम आपको मिलने वाला है एज इट इज़, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं। यहाँ भी अगर आप देखेंगे, यहाँ भी आपको बड़ी सी जो स्लाइडिंग डोर है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। यहाँ भी एक प्राइवेट बालकनी आपको मिल जाती है इस बेडरूम में, और साउंड प्रूफ ग्लास यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो यहाँ भी आप देखेंगे प्रॉपर वेंटिलेशन आपको मिलती रहेगी आपके रूम में, प्रॉपर सनलाइट यहाँ पे आपको मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा सेकंड बेडरूम हमारे फर्स्ट फ्लोर का। अब हम चलते हैं अपने विला के थर्ड बेडरूम की तरफ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आता है हमारा थर्ड बेडरूम। यहाँ भी अगेन आप देखेंगे काफ़ी स्पेशियस बेडरूम यहाँ पे आपको मिलने वाला है, और जिसमें मैंने बताया फुली फर्निश्ड यहाँ पे आपको मिलने वाला है बेड के साथ, सिटिंग एरिया के साथ। और ये आप वॉल अगर देखेंगे, वॉल पर पूरे ही वॉल पर वॉलपेपर आपको प्रोवाइड किया गया। अगेन यहाँ पे डिज़ाइनर लाइट्स आपको मिल जाती हैं, एसी की प्री फिटेड जो पाइपलाइन है वो यहाँ पे आपको मिल जाती है। यहाँ भी आपको स्लाइडिंग यूपीवीसी साउंड प्रूफ ग्लास के साथ यहाँ पे डोर आपको मिल जाता है, जो कि एक बैक बालकनी की तरफ आपको खुलता है, ताकि प्रॉपर यहाँ भी वेंटिलेशन आपको मिलती रहे, सनलाइट मिलती रहे। और यहाँ पर आप अपना टीवी इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आता है इसका अटैच वॉशरूम, यहीं अंदर आपको इसके जो वार्डरोब्स हैं वो मिल जाएंगे। उसके अलावा यहाँ भी अगर आप देखेंगे काफ़ी बड़ा, काफ़ी स्पेशियस वॉशरूम यहाँ पे आपको मिलने वाला है, वैनिटी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। उसके अलावा फुल हाइट की जो टाइल्स हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाती हैं वॉशरूम में। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने फोर्थ और इस विला के लास्ट बेडरूम की तरफ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आता है हमारा फोर्थ एंड लास्ट बेडरूम। जैसे कि हमने ग्राउंड फ्लोर में हमारा बेडरूम देखा था, सेम साइज़ का बेडरूम यहाँ भी आपको मिल जाता है। यहाँ भी अगर आप देखेंगे किंग साइज़ बेड होने के बाद अच्छा मूविंग का स्पेस यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पर भी पूरी ही वॉल पर जो डिज़ाइनर वॉल है वो यहाँ पे आपको मिल जाती है, डिज़ाइनर लाइट्स यहाँ पे आपको मिल जाती हैं, फॉल सीलिंग आपको मिल जाएगी। एंड यहाँ भी अगर आप देखेंगे UPVC साउंड प्रूफ ग्लास के साथ यहाँ भी आपको स्लाइडिंग डोर मिल जाता है, जिसमें आपको अभी दिखाया था हमारे जो लास्ट बेडरूम से जो बैक बालकनी तरफ रास्ता निकलता है, तो इस डोर से भी आप बैक बालकनी तरफ जा सकते हैं, और यहाँ से अच्छी वेंटिलेशन आपको मिलती रहेगी इस रूम में भी। और यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर आपको TV पैनल का स्पेस आपको मिल जाता है। उसके अलावा अगेन प्री फिटेड AC की पाइपलाइन यहाँ पे आपको मिलने वाली है, और यहाँ भी सिटिंग अरेंजमेंट आपको मिल जाता है दो लोगों का। और यहाँ पे आपको आता है इसका अटैच वॉशरूम। यहाँ आप देखेंगे यहाँ पर आपको जो बाथ टब है वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है आपके वॉशरूम में। यहाँ भी स्लाइडिंग वार्डरोब्स आपको मिल जाती हैं, ड्रेसिंग एरिया का स्पेस यहाँ पे आपको मिल जाता है। उसके अलावा बाथिंग एनक्लोजर यहाँ पे आपको मिल जाता है। उसके अलावा ये सुंदर सी वैनिटी यहाँ पे आपको मिल जाती है, फुल हाइट की टाइल्स इस वॉशरूम में भी आपको मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, अभी आपने देखा हमारे 4BHK का डबल स्टोरी डुप्लेक्स विला, जैसे मैंने आपको बताया था बहुत ही खूबसूरत विला यहाँ पे आपको मिलने वाला है, फुल्ली फर्निश्ड विला यहाँ पे आपको मिलने वाला है। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक सेपरेट जो सर्वेंट रूम है वो यहाँ पे आपको मिलने वाला है, तो उसकी जो एंट्री है यानी कि आपके टेरेस में जाने की एंट्री सेपरेट एंट्री यहाँ पे आपको मिलने वाली है। तो इस डोर से अगर आप देखेंगे यहाँ से आपको एंट्री मिलती है टेरेस में जाने के लिए और आपके सर्वेंट रूम की तरफ जाने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा 300 गज में बना हुआ डबल स्टोरी 4BHK डुप्लेक्स विला। होपफुली ये वीडियो और ये घर दोनों ही आपको पसंद आए होंगे फ्रेंड्स। इसके अलावा अगर आप कोई भी जानकारी चाहते हैं, इस लोकेशन को आप विज़िट करना चाहते हैं या इस प्रॉपर्टी को आप विज़िट करना चाहते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर आके आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है जिसको कि आप सेल करना चाहते हैं, चंडीगढ़ या चंडीगढ़ के आसपास कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं न्यू चंडीगढ़ के अलावा किसी भी लोकेशन में, तो भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको एक जो फॉर्म है वो आपको हमारी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जिसको कि आप फिल करके आप हमें सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारी टीम के साथ काम करना चाहते हैं, तो भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जल्द मिलेंगे फ्रेंड्स ऐसी ही एक खूबसूरत प्रॉपर्टी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।